नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम जीएसटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नोटिफिकेशन का नंबर है 40/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, जिसमें कि मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक फैसिलिटी दी गई है गुड्स को कंसेशनल रेट पर खरीदने के लिए। सप्लायर और रेसिपिएंट के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। रेट ऑफ टैक्स जो है 0.05 CGST, 0.05 SGST और अगर इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो 0.10। लेकिन यहाँ पर 9 कंडीशंस हैं जो कि पूरी करनी है। 9 कंडीशंस हम फटाफट डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहली कंडीशन ये है कि सप्लायर ने जो गुड्स बेचने हैं वो टैक्स इनवॉइस के अंतर्गत बेचने हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सप्लायर है, रेसिपिएंट है, उसको 90 दिन के अंदर अंदर उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। तीसरी कंडीशन ये है कि जो रेसिपिएंट है उसने अपने शिपिंग बिल में सप्लायर का जीएसटी नंबर और उसका टैक्स इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। चौथी कंडीशन ये है कि सप्लायर रेसिपिएंट ने एक परचेज ऑर्डर इशू करना है जो कि सप्लायर को इशू करना है फॉर बाइंग द गुड्स एट द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, और उसी परचेज ऑर्डर को जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर, जो कि सप्लायर का जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर है, उसको जमा भी कराना है। अगली पांचवी कंडीशन ये है कि जो रेसिपिएंट है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या किसी बोर्ड के साथ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड हो, उसमें रजिस्टर्ड हो। छठी कंडीशन ये है कि जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर के प्लेस से गुड्स को डायरेक्टली पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो पे ले जाएगा जहां से उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, या अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एक रजिस्टर्ड वेयर हाउस पर भी ले जा सकता है जहां से वो पोर्ट, एयरपोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो पर एक्सपोर्ट होने के लिए माल को ले जाया जाएगा। ऐसा संभव हो सकता है कि वो जो रेसिपिएंट है वो सिर्फ एक सप्लायर से माल ना ले बल्कि और बहुत सारे सप्लायर से माल सोर्स करके इकट्ठा करे और उसको बेचे। उसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने रजिस्टर्ड वेयर हाउस पे माल को एग्रीगेट कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से एग्रीगेट कर सकता है, फिर एग्रीगेट करके उसको पोर्ट, एयरपोर्ट और इनलैंड एयरपोर्ट कंटेनर डिपो पर भेज सकता है जहां से वो फर्दर एक्सपोर्ट होंगे। आठवीं कंडीशन जो है वो सातवीं से रिलेटेड है दोस्तों, और वो ये कहती है कि अगर एग्रीगेशन होता है तो रेसिपिएंट को एक तो रिसीट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम दी रजिस्टर्ड वेयरहाउस ऑपरेटर से, और दूसरा हर टैक्स इनवॉइस के पीछे उसको इंडोर्स करना है गुड्स को। नौवीं कंडीशन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होने के बाद की है। रेसिपिएंट को जब वो गुड्स एक्सपोर्ट कर लेगा तो शिपिंग बिल की कॉपी और एक एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट की कॉपी सप्लायर को जमा करानी है और सप्लायर के जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भी जमा करानी है। तो सप्लायर को एक परचेज ऑर्डर की कॉपी, रेसिपिएंट को एक परचेज ऑर्डर की कॉपी और एक एक्सपोर्ट शिपिंग बिल की कॉपी और एक एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सप्लायर के जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को जमा कराना है। ये 9 कंडीशंस थी। आखिरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है यहां पर इस नोटिफिकेशन में कि अगर रेसिपिएंट 90 दिन के अंदर अंदर माल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस और इनवॉइस ऑफ द सप्लायर, तो सप्लायर को जो ये एग्जेम्पशन दी गई है 0.05 की, वो विड्रॉ कर ली जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर सप्लायर ने किसी रेसिपिएंट को माल बेचना है तो सप्लायर को ये इंश्योर करना है कि रेसिपिएंट 40/17 की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि सप्लायर रेसिपिएंट से एक डिक्लेरेशन ले ले जिसमें वो ये लिखवा ले रेसिपिएंट से कि भाई 40/17 की जितनी भी कंडीशंस होंगी वो मैं फुलफिल करूंगा, 90 दिन के अंदर एक्सपोर्ट भी करूंगा, वेयर हाउस में भी सब कुछ करूंगा और जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भी इंटीमेट करूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता और उसकी वजह से सप्लायर को कोई नुकसान होता है तो जो टैक्स का नुकसान सप्लायर को होगा उसकी भरपाई रेसिपिएंट करेगा। ये एक डिक्लेरेशन सप्लायर को रेसिपिएंट से ले लेनी चाहिए हमारी समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और फर्दर वीडियोस के लिए हम आते रहेंगे। मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9899112120। मेरा ईमेल आईडी है gst.caaroda@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।